Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So, आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग सुबह गार्डन चले गए थे 10 बजे और अभी 12 बज रहे हैं एंड नाउ वी आर बैक. दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी होने लग जाती है, धूप तेज हो जाती है. सो वी वर बैक. हालांकि किड्स डिडंट वॉन्ट टू कम बैक एज यूजुअल. हर बार की यही कहानी होती है. सो इस सीजन में मैं उनको पहली बार बाहर पार्क में लेके गई थी. अदरवाइज हम लोग पार्किंग में ही थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर लेते हैं. सो दिस वॉज इट. अब हम लोग वापस आ गए हैं. किड्स आर टेकिंग शावर और उनके लंच की तैयारी भी मैंने कर ली है. सो वंस दे आर डन विद इट वी विल हैव आवर लंच एंड सी आगे का दिन कैसा जाता है. ऑल्सो यू नो माई सोफाज आर प्रीटी मच क्लीन. पहले से बहुत बेटर कंडीशन में है. एंड आप में से किसी ने पूछा था मुझसे कि कितना चार्ज है. सो दे चार्ज मी 30 दिरहम्स पर सीट एंड आई हैव अ 6 सीटर. तो मेरे पास एक 6 सीटर है. सो 30 दिरहम पर सीट के हिसाब से हम लोगों ने पे किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट बस कुछ खास नहीं. छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, कविश का स्कूल शुरू होने वाला है और आई वॉन्टेड हिम टू मिंगल विद अदर किड्स, यू नो, ताकि वो स्कूल जाए तो उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे. हालांकि उससे ज़्यादा नर्वस शायद मैं हूँ. उसको तो रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि ही विल गो टू स्कूल नाउ, बट आई एम वेरी नर्वस. काव्या के टाइम पे भी थी जब उसका फर्स्ट डे था. सो शी वेंट फ्रॉम 8:30 to 12:30 और मतलब आई जस्ट कुड नॉट सिट एट वन प्लेस. मैं पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी कि ओके 9:30 बज गए, 10:30 बज गए, 10:15 बज गए, इस तरीके से चल रहा था मेरे साथ में. एंड फिर 10:30 जब हुए फाइनली, सो आई कॉल्ड अप द स्कूल जिस नर्सरी में वो जा रही थी एंड आई आस्क्ड कि इज़ शी डूइंग ओके, शी इज़ फाइन और नॉट, इज़ शी क्राइंग. बट वो खुश थी. शी वॉज़ प्रीटी हैप्पी विद द टीचर. मिस अनम थी उसकी फर्स्ट टीचर. शी वॉज़ ब्रिलियंट. काफ़ी अच्छी टीचर थी वो. एंड उनके साथ में काव्या काफ़ी घुल मिल गई थी. एंड अच्छा था स्कूल, उसका नर्सरी काफ़ी अच्छा था. बट कविश विल गो टू अ डिफरेंट नर्सरी दिस टाइम. अभी जब हम लोग गए ना पार्क में, तो हम लोग ऑफकोर्स इसी लोकेलिटी में थे पहले भी. तो पुराने कुछ फ्रेंड्स मिले, कुछ जिनसे मैं इस बिल्डिंग में आने के बाद मिली वो लोग मिले. सो इट वॉज़ सच अ नाइस एक्सपीरियंस. सबसे बात बात करी हम लोगों ने. वहाँ से आने के बाद यू हैव टू टेक अ शावर. और ऑफकोर्स इट इज़ अभी कोविड चल रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जाके वापस आए तो नहा लें. एंड दैट इज़ वॉट माई किड्स आर डूइंग राइट नाउ. वो लोग टब भर लेते हैं और उसके अंदर घंटों मस्ती चलती है उनकी. सो वही चल रही है. बच्चों के लिए मैंने बना लिए हैं पराठे. सो दे विल हैव दैट एंड आई विल हैव सम चिकन. सो यहाँ पे अब मैं डिनर बना रही हूँ. डिनर के लिए आई थॉट कि पाव भाजी बनाई जाए. एंड इसमें मैंने लिया है बटर और एक चम्मच तेल एंड लहसुन और प्याज डाला है मैंने इसमें. अभी इसको भुनने के लिए रखा है और वहाँ पे पीछे जो है वेजिटेबल्स डाली हैं, गोभी, कैप्सिकम और आलू, ये सारे गाजर वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो और भाजी में ऐड होती हूँ आप वो डाल सकते हैं. एंड हेयर इज़ चॉप्ड टमेटो. इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा डाल दिया है, बाकी इसके अंदर मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है. और यहाँ काव्या क्या कर रही है? न्यूटेला ब्रेड बना रही है. वेट, आई विल ओपन इट फॉर यू. ये कविश का है ना? ओके. बनाओ बनाओ. सो यहाँ पे जो है प्याज ऑलमोस्ट भुन गई है. इसके अंदर नाउ आई एम एडिंग टमेटो.
और अब इसमें ऐड कर रही हूँ नमक मिर्ची और हल्दी पाउडर। एंड सम पाव भाजी मसाला, ये अराउंड 2 टेबलस्पून्स, नहीं 2 टीस्पून्स के आसपास है। सो बस अब 5-7 मिनट इसको रख देंगे भुनने के लिए अच्छे से। ऑल दो मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है पाव भाजी की रेसिपी, अगर आपने नहीं देखी है सो आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट यहाँ पे भी है सो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देख लो। कविश, सैंडविच कहाँ है तुम्हारा? डू यू लाइक इट? और यहाँ पे मैंने उगाया था धनिया, सभी मैंने पानी दिया इसलिए इसकी पत्तियां नीचे बैठ गई हैं। बाकी यहाँ धनिया लगा हुआ है, थोड़ा से बीज यहाँ भी आ गए हैं उड़ के, आई डोंट नो वहाँ पे भी हैं, सो यहाँ पे भी थे पर यहाँ पे काव्या ने इसको डिग कर दिया, सो पता नहीं अब वापस कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आई हैव नो आइडिया। और कुछ इस तरीके से है मेरा टेरेस गार्डन, छोटा सा ही गुलाब आया हुआ है यहाँ पे, यहाँ ये रेड फ्लावर्स एंड दैट्स इट। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, सो हर तरफ से, हर बिल्डिंग में से बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पे वही बॉयज़ आ गए हैं अपना क्रिकेट लेके, एंड दिस इज़ हाउ द इवनिंग लुक्स। यहाँ पे हम लोगों ने कल डिनर किया था अपना, सो दैट्स अबाउट इट। इसीलिए ली थी कि बाहर बैठ के कुछ यू नो वी कैन एन्जॉय द वेदर, तो चलिए अंदर चलते हैं एंड पाव भाजी के हाल दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे अभी टमेटो पूरी तरह से पके नहीं हैं, इसका भी राजमा की तरह ही इशू है, टमेटोज़ अगर नहीं पकते हैं तो फिर उसका टेस्ट उतना मज़ेदार नहीं होता है। सो टमेटोज़ अभी कच्चे से ही स्मेल कर रहे हैं अभी, एक्चुअली टमाटरों की खुशबू आ रही है बेसिकली। सो पके नहीं हैं, थोड़ी देर और पकेंगे। और सब्जियाँ पक गई हैं, देव स्टीम्ड, सो उसका कुकर मैंने कर दिया है बंद। और काव्या गई है बाहर टू क्लीन द बैल्कनी आज, क्योंकि हम लोग इनको लेके गए थे, मैं हम लोग गए थे यहाँ पे गार्डन में, सो उन्होंने लाके साइकिल्स कार्स वगैरह सब ऐसे ही पटक दिए हैं, तो वही काव्या साफ करने गई है। हवा इतनी तेज़ है कि चेयर्स गिर जाती हैं, सो काव्या वो चेयर्स उठाएगी अब। और एक प्लांट मेरा रह गया पानी डालने के लिए, ये बेचारा ऐसे कोने में है ना, आई फॉरगेट कि इसको भी पानी देना है, सो बस मैं इसको भी पानी दे देती हूँ। इसको भी 1 वीक पानी देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं, सो दैट्स इनफ। ऑल्सो वी गॉट दिस स्प्रे बॉटल ताकि सारे प्लांट्स को की लीव्स को क्लीन कर सकें, सो आज मैं वही करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने कुछ प्लांट्स की क्लीनिंग या कुछ ऐसा नहीं किया, और उसी वजह से ये जो ब्राउन हो गए हैं लीव्स, what is happening Kavya? Kavish does the slime without even giving money. We are playing. Show me your home. Dikhao home tour do. What is where? Oh. It's an empty home. So you'll be moving in soon, right? Yeah. Yeah. Bye. अब मैंने इसमें ऐड करती हैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और कविश बाबू बाहर रो रहे हैं।
इट्स ओके और अब मैं बना रही हूँ टमेटो सूप. सो उसके अंदर मैंने लिया है 2 बड़े टमेटोज, सम सॉल्ट, गोभी और गार्लिक. सो ये सबको मैं बॉईल कर लूँगी. उसको डस्टबिन में डालो. क्रोसो निकालो और रैपर डस्टबिन में डाल दो. Good job. Go enjoy your croissant. Look at this. The sunset colors. Okay, wait. And there is Burj Khalifa. Hepala. बहुत अच्छी हवा चल रही है यार बाहर, तो मज़ा आ रहा है बिल्कुल. अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है. यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है. यू नो व्हाट गाइज, दिस इज़ मोर लाइक इवनिंग टाइम रूटीन फॉर मी. सो बाहर जो है काफ़ी अंधेरा ऑलरेडी हो गया है एंड डिनर भी ऑलमोस्ट डन है. ये जो टमेटो सूप की खुशबू है ना, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ विंटर डेज. जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी मॉम बहुत बनाती थी और वो प्योर टमेटोज का बनाती थी. तब टमेटोज बहुत अच्छे आते थे विंटर्स में. सो वो बनाती थी टमेटो सूप और इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही है. ऑल दो टमेटो की क्वालिटी यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ के टमेटोज हैं और इंडिया में इंडिया के टमेटोज होते थे, बट आई मिस दैट फीलिंग सो मच. और आज फाइनली वैसी खुशबू आ रही है जैसी मेरी मॉम बनाती थी, तो आई क्वाइट लाइक इट एंड आई एम रियली हैप्पी. और इवनिंग है तो लैम्प्स वगैरह जल गए हैं, वहाँ पे मैंने लैम्प जलाया है. एंड ये जो है ये एक सूटकेस है जिसके अंदर मैंने मेरे बच्चों के विंटर क्लोथिंग रखी थी, तो वो भी अब बाहर आ गया बिकॉज इवनिंग्स में ये लोग बाहर ही खेलते रहते हैं सारा टाइम. सो ठंडी हवा है, कुछ पतला सा जैकेट टाइप का ये लोग पहन लेते हैं तो ठीक रहता है वैसे. सो बस मैंने कुकर की सीटी यू नो हो गई थी तो ऑफ कर दिया है गैस को एंड नाउ आई विल ब्लेंड इट. उसको छानेंगे एंड थोड़ा सा बटर डाल के वी विल हैव आवर डिनर. सो सूप है डिनर में और पाव भाजी है. सो पाव की जगह आई एम यूजिंग ब्रेड बिकॉज पाव अवेलेबल नहीं थे अभी आज मैंने जब कॉल किया. सो वील हैव ब्रेड स्लाइसेस एंड भाजी. ये हो गया है कम्प्लीटली बॉयल और अब इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ हैंड ब्लेंडर से. The soup is ready और इसमें नमक थोड़ा सा कम है, so I will add little bit of salt और थोड़ा सा पानी मैं ऐड करें उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए. Adding some black pepper powder and that's it. इसको serve करते time इसमें बस हम एक butter की cube डाल देंगे and that is it. और यहाँ पे जो है भाजी भी बिल्कुल ready है, इसके अंदर बस थोड़ा सा धनिया पत्ती and it's done. दिस इज सो गुड. मैंने ब्रेड स्लाइस को सेका और उसके ऊपर भाजी लगा ली एंड नाउ आई एम एंजॉइंग इट टोटली. इसके साथ मैं लूंगी थोड़ा सा सूप एंड आई विल एंजॉय वन नाइस विंटर इवनिंग विद माई फैमिली. वेल आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग एंड इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ऑल्सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में.
तब तक के लिए जय राम जी की।